हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर मूवी की जिसे मैं फ्लॉलेस तो नहीं कह सकती हूँ, कॉज इसके अपने माइनर इग्नोरेबल डिफेक्ट्स तो हैं, लेकिन इस मलयालम ब्लॉकबस्टर की जो रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड कहानी है वो आपका भी दिल जीतने में कामयाब ज़रूर हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ मूवी मंजुमल बॉयज की, जिसे आप डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर देख सकते हैं। 2.25 घंटे लंबी मूवी में गोर, वायलेंस, अडल्ट सीन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, प्रोफानिटी ज़रूर है बट माइल्ड है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी हिंदी डबिंग भी अवेलेबल है, और जो कि अच्छी खासी है। दिस मूवी इज सूटेबल फॉर ऑल एजेस, सो आप इसे अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। अब अगर हम इस मूवी के एसेंस की बात करते हैं तो वो होगी फ्रीडम, यूथफुलनेस, केयरफ्री लाइफ, लापरवाही और दोस्ती की पराकाष्ठा। इंडिया में आपने लगभग हर पेरेंट को ये कहते सुना होगा कि तेरा वो दोस्त तुझे बिगाड़ रहा है। अब कौन किसको बिगाड़ रहा है ये तो हमें नहीं पता, और वो दोस्त है कौन इसका भी पता नहीं चल पाया है अब तक। लेकिन उसी अज्ञात दोस्त की वजह से सुभाष ऐसी जगह जाता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था, और जाकर गिर जाता है डेविल्स किचन में, जिसे लगभग 900 फीट गहरा गड्ढा समझा जाता है। लेकिन इस कहानी की सबसे अच्छी बात यही है कि वही अज्ञात दोस्त अपनी जान की बाजी लगाकर सुभाष को जीवनदान भी देता है। इस सर्वाइवल थ्रिलर में टेक्निकलिटीज़ का काफ़ी ध्यान रखा गया है, और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी टाइट है, जिसकी वजह से जो थ्रिल है वो थ्रू आउट द मूवी बना रहता है। बाकी ये सच्ची घटना पर आधारित है ही, और बढ़िया एक्टिंग इस मूवी को वन ऑफ अ काइंड बनाती है। मेरे लिए ये रही है 8.5 out of 10। बाकी पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो फॉर दिस मूवी मंजुमल बॉयज, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी आपको ले जाती है 2006 के कोची में, जहां पर कुछ लड़कों का ग्रुप होता है जो आपस में बचपन से काफी गहरे दोस्त रहे हैं। ये क्लोज नेट ग्रुप फिलहाल तो अपने यूथ में है और छोटे मोटे काम कर अपनी जिंदगी बढ़िया से गुजर बसर कर रहे हैं। ये ग्रुप प्लान बनाता है कि ओनम के दिन ये कोची से कोडाइकनाल तमिलनाडु जाएंगे और वहां एक दिन पूरा रिलैक्स करेंगे। होता भी ऐसे ही है, इनका सफ़र काफ़ी मस्ती भरा रहता है। फिलहाल ये कोडाइकनाल पहुंचकर वहां भी काफ़ी इंजॉय करते हैं, और गुना केव जाने का प्लान बनाते हैं जहां पर कमल हसन की मूवी की शूटिंग हो रखी है। सब कुछ बढ़िया है अभी तक। अचानक ही अल्हड़पन में इन्हें एक फेंसिंग दिखती है जहां से पार खतरा दिखाया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, केव मैनेजमेंट ने अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, फिर भी ये उस फेंस को क्रॉस कर कर दूसरी तरफ जाते हैं, और अचानक ही एक चीख सुनाई देती है जब ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वहाँ पर, और इन्हें पता चलता है कि इनका दोस्त सुभाष एक गहरे गड्ढे में जाकर गिर गया है। सभी दौड़ पड़ते हैं उसकी मदद करने के लिए, बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। बाहर जाकर गांव वालों को बताते हैं कि इनका दोस्त इस गहरे गड्ढे में गिर गया है, और तब इन्हें लोकल से पता चलता है इस गड्ढे को तो यहाँ पर डेविल्स किचन कहा जाता है। इसे लगभग 900 फिट गहरा कहते हैं, और आज तक कोई भी जो यहाँ पर गिरा है कभी जिंदा बचकर वापस नहीं आया है। ये सुनकर इनके होश उड़ जाते हैं और ये दौड़ते हैं पुलिस के पास मदद मांगने के लिए। वहाँ पहुंचकर इन्हें एज ऑलवेज पुलिस की बिन सिर पैर की बातों का सामना करना पड़ता है। इवन इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगने लगता है। अब मूवी में आप देखने वाले हैं कि क्या ये अपने दोस्त सुभाष को बचा पाएंगे, और अगर बचाएंगे भी तो कैसे बचाएंगे। अब क्योंकि ये मूवी रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है तो हमें पता है सुभाष बचेगा तो, लेकिन कैसे बचेगा ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो इस मूवी में बढ़िया से दिखाया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। दिस इज़ अ मलयालम ओरिजिनल मूवी, और मलयालम मूवीज़ की जो खासियत होती है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ देयर रियलिस्टिक अप्रोच, और वही रियलिज्म के दर्शन आपको इस मूवी में भी होने वाले हैं। जो विजुअल्स हैं दे फेल्ट सो रियल एंड दे वर विदाउट एनी फ्लॉ। सेकेंड पॉजिटिव, जो यहाँ पर एक्टर सेलेक्ट किए गए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इस मूवी के एसेंस को कैप्चर किया है, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो जब उनका एंजॉयमेंट और फन वाला टाइम चल रहा था उसके थ्रू दिखाया है बढ़िया से, या फिर जो ड्रेड का इमोशन है जब वे अपने डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हों वो हो, सब कुछ बढ़िया से ये दिखा पाए हैं अपनी बेहतरीन एक्टिंग के थ्रू। थर्ड पॉजिटिव, जो सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी है वो बहुत इंटेंस है, बहुत ही हॉरिफाइंग सीन्स के साथ वो दिखाया गया है, दैट टोटली गेव मी गूज़बम्प्स।
अब अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द मूवी है वो मुझे रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मूवी के साथ सिंक्रोनस नहीं लगा है, वो मुझे डल लगा है। दो यहाँ पर डायरेक्टर ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है और रियल लाइफ इवेंट्स को थोड़ा ड्रामेटिक बनाकर इंटेंस बनाया है मूवी को, स्टिल जो स्टार्टिंग पार्ट है वो डल था। बाकी सिनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी एज अ सर्वाइवल थ्रिलर बहुत ही बढ़िया है, मेरी ऑलमोस्ट सारी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी है, मैंने इसे थ्रू आउट इन्जॉय किया है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।